वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नाउन एंड नंबर्स के बारे में। इसमें वल्ली उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। पूरा जिस तरह से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि नाउन्स के बारे में पूरा डिस्कस नहीं हुआ, पिछले भी लेक्चर्स में नाउन्स एंड केसेस जब डिस्कस कर रहे थे तो कि सर नाउन्स के बारे में आप नहीं पढ़ाए, तो नाउन्स के बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे, आपको अलग से लेक्चर बनाएंगे उस पर। लेकिन नाउन और नंबर के साथ में क्या रिलेशन है, तो उसमें जो जो इम्पॉर्टेंट है जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है उसी के बारे में केवल डिस्कस करेंगे। तो ये जो है हमारे लेक्चर्स का पार्ट वन है और इसमें जो है तीन पार्ट उम्मीद है कि बनेगा, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री। पार्ट वन और पार्ट टू जो है थ्योरी डिस्कस करेंगे और पार्ट थ्री में जो आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड जो एग्जामिनेशन में आपका पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। जो फर्स्ट रूल है नाउन्स एंड नंबर्स का, जो फर्स्ट रूल है कि जो कुछ नाउन ऐसा है, कुछ संज्ञा ऐसा है जो कि केवल सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है, कुछ संज्ञा ऐसा है जो कि केवल प्लूरल फॉर्म में यूज होता है। तो इस तरह के संज्ञा को हम लोग एक अलग से लिस्ट बनाएंगे और उसको समझेंगे कि इसके साथ जब ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा तो इसके साथ हम लोग क्या वर्ब यूज करेंगे। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सिंगुलर नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जो प्लूरल नाउन होता है उसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होता है। तो उसके साथ देखेंगे, तो सबसे पहला रूल है कि जो कुछ नाउन है उसके साथ, नाउन जिसके साथ हमेशा जो सिंगुलर फॉर्म में रहता है, नाउन जो हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है, तो उस नाउन के बारे में जानेंगे जो हमेशा ही सिंगुलर फॉर्म में रहता है, सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा यूज होता है। तो देखिए इसका कुछ नाम है लगेज। लगेज, लगेज मतलब होता है सामान, जो कुछ भी सामान होता है उसको लगेज बोलते हैं ना, लगेज है ये। लगेज जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। फिर है बैगेज, लगेज, बैगेज ये भी सिंगुलर फॉर्म में होता है। ब्रेकेज, ब्रेकेज मतलब होता है टूट फूट, आप लोग जानते हैं। फर्नीचर, ड्रेपरी, ड्रेपरी मतलब होता है आपका जैसे कपड़े का कोई दुकान है तो उसको बोलते हैं हम लोग ड्रेपरी बोलते हैं। फिर है इमेजनरी, इमेजरी, ड्रेपरी, इमेजरी। फिर है सिंड्री, सिंड्री मतलब प्राकृतिक कोई भी दृश्य है तो उसको सिंड्री बोलते हैं। पोइट्री, ये सब यूज होता है, पोइट्री सबका जो है काफ़ी यूज करके आपसे कॉमन एरर के फॉर्म में पूछा जाता है। फिर है मशीनरी, नेक्स्ट है वर्क, वर्क मतलब काम आप लोग जान रहे हैं, वर्क। पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबीश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक और इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास, इटीसी। तो ये जितने भी वर्ड हमने लिखे हैं, जितने भी नाउन्स लिखे हैं, ये सारे नाउन्स जो है सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। क्या क्या है इसको दो तीन बार हम लोग रिवाइज करेंगे। लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, फर्नीचर है, ड्रेपरी है, इमेजरी है, सिंड्री है, पोइट्री है, मशीनरी है। देखिए ये जो आर वाई वाला जो लास्ट में है, ये सब वर्ड देखिए एक तरह का वर्ड है, इसको याद करना है आपको आसानी होगा। ड्रेपरी, इमेजरी, सिंड्री, पोइट्री, मशीनरी, ये सब जो है सिंगुलर फॉर्म में केवल यूज होता है। वर्क है, पेपर है, वुड है, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबीश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास। दीज वर्ड्स आर ओनली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स,
नो मतलब नो इन प्लुरल फॉर्म्स, यू कॉन्ट यूज दिस वर्ड इन प्लुरल फॉर्म्स, ओनली यू कैन यूज इन सिंगुलर फॉर्म। तो खाली केवल जो है इसको आपको सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करना है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा, तीन चार बार पढ़िए। इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या करेगा, लगेज के साथ आपका जो है मतलब प्लुरल फॉर्म का जो वर्ब है उसको दे दिया जाएगा, सिंगुलर जो नाउन होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। तो ये कंसेप्ट जो है फॉलो, वो जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे, लेकिन ये जो है आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। कुछ एग्जांपल देते हैं इस, ये सब के वर्ब के जो नाउन है इसके साथ एक बात और है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल मतलब क्या हो, जिसको कि गिन नहीं सकते हैं उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इनके पहले अनकाउंटेबल जो नाउन होता है उसके पहले ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ग्रास है, तो ग्रास को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं ना, जब ग्रास को काउंट नहीं कर सकते तो क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। चौक है, फिर डर्ट है, आयरन है, स्टोन है, ये सब सारे जो है अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, द का प्रयोग होता है लेकिन ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस ये जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहता है तो इसको कितना लोग क्या करते हैं, जिनको पता नहीं रहता है तो लगेज को लगेजेज बना देता है, तो एस या ईएस जोड़ता है और उसको चाहता है कि प्लुरल बना दें। प्लुरल फॉर्म में ये नहीं बनता है, तो ये याद रख लीजिएगा कि इनके साथ जो है एस या ईएस का प्रयोग आप लोग नहीं कीजिएगा, एस या ईएस का प्रयोग करके प्लुरल नहीं बनाया जाता है। एस या ई एस का प्रयोग करके जो है आपको इन सारे वर्ड्स को आप लोग प्लुरल नहीं बना सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा यूज करना अगर इसके साथ अगर एस या ई एस का प्रयोग आप लोग करते हैं। तो ये सारे चीज को पॉइंट्स को याद रखिएगा, पहले कि पहला कि ये सिंगुलर फॉर्म वर्ड है, दूसरा अनकाउंटेबल है, ए एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसके आगे, एस या ई एस का प्रयोग करके इसको प्लुरल नहीं बनाया जा सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इस पर कुछ, जैसे What is poetry? What a poetry लिखा हुआ है, तो यहां पर जो हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि What is a poetry अगर किसी ने लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर a का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, a या n का प्रयोग यहां पर नहीं होगा। What is poetry ये एकदम सही है, यहां पर a का अगर कोई लिखेगा What is a poetry ये यूज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, ये जो पोएट्री है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन। तो यहां पर देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि इसका यूज इस तरह से करते हैं, द वॉल इज मेड ऑफ ए स्टोन, तो यहां पर ए स्टोन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्टोन जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहां पर ए का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से और भी एग्जांपल लेने का कुछ लेंगे, एक और एग्जांपल सोच रहे हैं ले लेता हूं और क्लियरिटी आएगी। द सीनरी ऑफ कश्मीर द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो इसमें जो है ये सेंटेंस सही है, ठीक है, लेकिन अगर कोई अगर इसको इस तरह से यूज करे द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे जो है इसमें कितना लोग क्या करते हैं, वाई को हटाकर आई एस लगा देते हैं, तो ये इस तरह से लिखते हैं, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। तो यहां पर जो है सीनरीज नहीं होगा, ये सीनरीज जो है गलत है यहां पर, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि एस या ई एस का प्रयोग करके इसको प्लुरल आप नहीं बना सकते हैं।
तो केवल सीनरी ही होगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, ये करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्कस करते हैं और सारे नोट में डालकर। एक रूल और इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं, जो फर्स्ट रूल है इसी का नोट्स में, नोट में डाल के लिख सकते हैं कि ये जो वर्ड है, लगेज है, बैगेज है, ब्रेकेज है, फर्नीचर है, ड्रेपरी है, सीनरी है, पोइट्री है, मशीनरी है, वर्क है, स्टोन है, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास, इनके पहले जो है हम लोग a piece of, a piece of, a beat of, beats of, a loaf of, loaves of, a heap of, heaps of, इन सारे का यूज करके जो है हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार से जो है इसको सिंगुलर या प्लुरल वर्ब में प्रयोग में लाया जा सकता है। तो ये सारे चीज का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ए पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, ए बीट ऑफ, बीट्स ऑफ, ए लॉप ऑफ, लॉप्स ऑफ, ए हीप ऑफ, हीप्स ऑफ, ये सब का यूज करके जो हम लोग अपने आवश्यकता के अनुसार कभी सिंगुलर फॉर्म में कभी प्लुरल फॉर्म में उसको बना सकते हैं। किसको? लगेज को, बैगेज को, ब्रेकेज को, इलेक्ट्रिसिटी को, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, जो फर्स्ट में आपको बताए, ये नोट्स में आप लोग लिख लीजिएगा नोट में। जैसे एग्जांपल देते हैं, इसमें एग्जांपल है कि ए लॉफ ऑफ ब्रेड, तो इसको ये सही है, ए लॉफ ऑफ आप लोग यूज कर सकते हैं, ए लॉफ ऑफ ब्रेड, ना कि अगर कोई अगर ये यूज करे ए ब्रेड, या यूज करे टू ब्रेड, टू ब्रेड्स, तो ये यूज नहीं होता है, ए ब्रेड, टू ब्रेड, इस तरह से यूज नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये ब्रेड जो है आपका ये अनकंटेबल नाउन के में आ रहा है, तो अनकंटेबल नाउन के साथ जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं ए का यहां पर। नेक्स्ट है टू लव्स ऑफ ब्रेड, तो इस तरह से टू लव्स ऑफ, ए लॉफ ऑफ, इस तरह का हम लोग यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल इसी में जो है, सेकेंड रूल है, कुछ नाउन ऐसा है जिसके अंत में जो है एस लगा हुआ है, कुछ नाउन ऐसा है जिसके अंत में जो है एस लगा हुआ है, लेकिन जो है वो सिंगुलर है। ऐसा जनरली स्टूडेंट्स को लगता है कि जो एस लगा हुआ है लास्ट में तो ये क्या होगा कि प्लूरल फॉर्म में होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारे नाउन्स ऐसे हैं जिनके लास्ट में एस तो लगा हुआ है, लेकिन किंतु ये जो है सिंगुलर है, नाउन के लास्ट में एस है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है। तो ये सिंगुलर नाउन का ही लिस्ट है, लेकिन इसके अंत में क्या है, एस लगा हुआ है। तो एस लगने से आप बहुत स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि ये प्लुरल फॉर्म में होगा, लेकिन ये प्लुरल फॉर्म में नहीं है। जैसे एग्जांपल देते हैं इसमें, जैसे न्यूज है, न्यूज जो है ये सिंगुलर है, लेकिन लगता है कि एस है लास्ट में लगा हुआ, तो ये प्लुरल होगा। फिर है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, इनके भी लास्ट में एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। पूरा एक लिस्ट दे रहे हैं आपको, इनको आप लोगों को याद रखना है। फिर है इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, विलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स, इटीसी। ये सारे जो वर्ड है, ये सारे जो नाउन्स है, ये सारे नाउन जो है सिंगुलर नाउन है,
लेकिन सबके अंत में देखिए एस लगा हुआ है, तो ये एस लगने से आप लोग जो है इस चीज़ को डिसाइड नहीं कीजिएगा कि ये जो है आपका प्लुरल है। एस लगने से केवल ये पता नहीं चलता है कि ये प्लुरल है। प्लुरल जो है उसका एक अलग है फॉर्म की, सिंगुलर से प्लुरल बनाने का एक अलग नियम है, लेकिन इन सारे वर्ड्स को आप लोग याद रखिएगा। जनरली न्यूज ज़्यादा क्वेश्चन में आता है, पॉलिटिक्स भी आता है, तो इन सब वर्ड का ज़्यादा यूज होता है, मैथमेटिक्स भी आता है, इनिंग्स आता है, ड्रॉट के बारे में रहता है, जब भी पैसे सब पढ़िएगा तो वहाँ ड्रॉट्स के बारे में ज़्यादा रहेगा। तो इन सारे वर्ड्स को आपको याद रखना है कि न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, विलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स, ये सारे जो वर्ड हैं, ये इन सारे वर्ड्स को के अंत में जो है एस का प्रयोग है, लेकिन ये जो है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का एक और लिस्ट आपको बताएं, लगेज का, बैगेज का, ब्रेकेज, फर्नीचर, ड्रेपरी, इमेजरी, सिनरी, पोएट्री, पोट्री, मशीनरी, वर्क, पेपर, वुड, आयरन, स्टोन, ग्लास, डस्ट, रबीस, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्रास, ये सब जो है आपको बताएं सिंगुलर है। और उसी सिंगुलर के लिस्ट में भी इनको भी आप इंक्लूड कर लेंगे, न्यूज, मैथमेटिक्स, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टेटिक्स, मिसल्स, मम्स, रिकेट्स, विलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स, इनिंग्स, ये भी जो है एक सिंगुलर नाउन है। तो इनको आप लोगों को याद रखना है, ये सिंगुलर नाउन का एक लिस्ट आपको दे दिए, इस पर जो है क्वेश्चन करेंगे। चलिए नेक्स्ट और डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे जो नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लुरल दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। मतलब ऐसा नाउन है जो सिंगुलर और प्लुरल के रूप में किसी में भी परिवर्तन नहीं किया जाता, दोनों में मतलब उसी तरह का यूज होता है। सिंगुलर में भी यूज होता है वही फॉर्म, प्लुरल में भी अगर यूज कीजिएगा तो वही फॉर्म यूज होगा, तो उससे सिंगुलर और प्लुरल का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। ऐसा भी कुछ नाउन है तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या हुआ, समूहवाचक संज्ञा है। जब समूहवाचक संज्ञा से किसी एक यूनिट का बोध हो तो उसके साथ जो हम लोग सिंगुलर के तरह यूज करेंगे उसको, लेकिन अगर जहाँ उस कलेक्टिव नाउन से जो है मतलब कह सकते हैं कि एक बहुत सारे चीज़ों का बोध हो एक साथ एक कलेक्टिव नाउन के द्वारा, तो उसको प्लुरल के फॉर्म में यूज करेंगे। उसके बाद कुछ ऐसे नाउन देखेंगे जो हमेशा प्लुरल के फॉर्म में केवल यूज होता है। अभी जो देखे हमने उसमें देखा कि ये ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में यूज होता है, लेकिन ऐसा भी नाउन्स देखेंगे जो हमेशा जो है प्लुरल फॉर्म में यूज होता है, और कुछ ऐसा भी नाउन है जो कि सिंगुलर और प्लुरल से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो सिंगुलर में भी उसी तरह रहता है, प्लुरल फॉर्म में भी वही होता है, उस पर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। तो इन सब चीज़ को इसमें जो है वन बाय वन जो है इस सारे रूल्स को वन बाय वन पढ़ते जाएंगे और इसको कवर करते जाएंगे। सेकेंड रूल है कि कोई भी नाउन जो है ऐसा कुछ नाउन है, नाउन का कुछ लिस्ट है जो कि सिंगुलर या प्लुरल ये दोनों रूप में से किसी में भी परिवर्तन नहीं होता। अगर इसको सिंगुलर के फॉर्म में भी यूज कीजिएगा तो वही रहेगा, प्लुरल फॉर्म में भी यूज कीजिएगा तो इन सारे नाउन्स में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, नाउन्स जिनके सिंगुलर और प्लुरल कोई भी सिंगुलर और प्लुरल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसको आप लोग लिख सकते हैं, नोट्स जो लोग बना रहे हैं वो लोग नोट्स में ये लिख सकते हैं कि नाउन जिनके सिंगुलर और प्लुरल रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इस पे सीरीज, स्पीसीज, स्पीसीज मतलब प्राणी, डियर, सीप, फिश, ये सब जो है इनका जो सिंगुलर और प्लुरल रूप में इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सिंगुलर में भी यही यूज होगा, प्लुरल फॉर्म में भी अगर यूज करेंगे
तो यही यूज होगा। सेकेंड चलते हैं, कुछ समुद्री मछली का नाम है, समुद्री मछली का नाम है जो सी में पाया जाता है, उस तरह का कुछ मछली का नाम है, सालमोन, टर्बोट, पाइक, मैकेरल, प्लेइस, ये सब जो है इनका भी सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म से इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जो है सिंगुलर प्लुरल फॉर्म में यही यूज होगा। सेलमोन है तो सेलमोन ही होगा, टर्बूट है तो टर्बूट, पाइक है तो पाइक ही यूज होगा। ठीक है, सी रूल इसमें देखते हैं, हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर्स मींस मतलब साधन माध्यम जो बोलते हैं, डजन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डजन है, हंड्रेड है, ये एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछा जाता है, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, स्कोर भी यूज होता है, एजेंडा, डाटा, इटीसी। हेडक्वार्टर्स है मींस है, डजन है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, स्कोर है, एजेंडा है, डाटा है। तो आपको कम से कम जो है डजन याद रखना है, हंड्रेड याद रखना है, थाउजेंड याद रखना है। तो ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ क्या होता है कि इनका सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म में किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो चलिए एग्जांपल्स लेते हैं कुछ, उस पर डिस्कस करके हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, टू डजन्स एक्स हैव बीन बॉट नो एरर, जिसमें ए बी सी डी और ये ई है, पांच पार्ट में है, इसमें आपको एरर पता करना है। तो आपको क्या बताएं कि जो डजन है, हंड्रेड है, थाउजेंड है, ये सब में क्या होता है कि हम लोग सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म दोनों में यूज सेम ही वर्ड करते हैं, चाहे यहाँ पे टू रहता है या हंड्रेड रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि डजन जो है इसमें एस या ई एस का हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो यहाँ पर क्या होता है कि टू डजन एग कहना पड़ेगा। यहाँ पर क्या होगा आंसर, ये यहाँ पर ऐसे होगा, टू डजन एग्स, तो यहाँ पर एस का प्रयोग नहीं होगा, एस का प्रयोग यहाँ पर गलत था, केवल क्या होगा टू डजन एग्स, तो ये जो है आपका सही होगा यहाँ पर। तो ए पार्ट में आपका गलती था, तो आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से, डजन से ही रिलेटेड, टू डजन्स ऑफ एग्स हैव बीन बॉट, टू डजन्स एग्स हैव बीन बॉट नो एरर, इसमें क्या होगा। फिर देखिए यहां पे डजन्स है, ये डजन्स तो यूज होगा ही नहीं, डजन्स का प्रयोग यहां पर होगा ही नहीं, यहां पे क्या होगा, केवल होगा टू डजन और ये ऑफ का भी प्रयोग यहां पर नहीं होगा, ऑफ का भी प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि अगर डजन रहे, हंड्रेड रहे, थाउजेंड रहे, इसके पहले अगर ए या वन या टू ये सब रहे, तो आपको ध्यान ये रखना है कि डजन का डजन्स और हंड्रेड का हंड्रेड्स ये सब आप लोग नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसके बाद ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर टू रहेगा, क्या क्या बोले, इस चीज़ को रूल के रूप में आप लोग नोट्स के रूप में लिख सकते हैं, नोट के रूप में, कि अगर डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, अगर ऐसा है डजन, हंड्रेड, थाउजेंड, इसके पहले जो है आप ए वन टू अगर ये सब रहे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आप लोग डजन को डजन से नहीं बना सकते हैं, ए वन टू ये सब का प्रयोग है ये डजन, हंड्रेड और थाउजेंड के पहले, तो इसके बाद जो है आप लोग क्या कर सकते हैं, डजन को डजन से नहीं बना सकते हैं, और ना ही इसके बाद ऑफ का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है
ऑफ का भी प्रयोग गलत है, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या बताए कि डजन का डजन्स या हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, ये भी प्रयोग में नहीं लाया जाता है। हंड्रेड्स नहीं लिख सकते हैं, डजन को डजन्स नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों को आप लोगों को ध्यान रखना है जब भी आप लोग कॉमन एरर का क्वेश्चन करने के लिए जाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करते हैं, ख़त्म करते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो कलेक्टिव नाउंस है उसको अगर एक यूनिट के रूप में यूज किया जाता है तो वो सिंगुलर होता है, लेकिन अगर जहाँ उसे बहुत सारे उससे बोध हो रहा होगा कि बहुत सारे सदस्यों का बोध हो रहा होगा उस कलेक्टिव नाउन से, तो उसमें जो है क्या होता है कि प्लुरल फॉर्म में उसका यूज किया जाता है। जैसे कि कुछ जैसे टीम है, क्राउड है, फिर कॉन्ग्रीगेशन है, पब्लिक्स है, फैमिली है, ज्यूरी है, गवर्नमेंट है, क्लास है, ऑडियंस है। तो इस तरह में क्या हो रहा है कि आपको अगर एक सदस्य का अगर बोध करवा रहा है तो ये जो कलेक्टिव नाउन का वर्ड है तो उसके साथ आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग उसको एक यूनिट के रूप में यूज करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन अगर जहाँ ये जैसे क्लासेस, गवर्नमेंट्स, फैमिलीज, ये क्या कर रहा है कि फैमिलीज का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे फैमिलीज हैं, टीम्स तो मतलब क्या हो गया बहुत सारे टीम है, दो टीम है, तीन टीम है, चार टीम है, पाँच टीम है, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे हम लोग प्लुरल फॉर्म में यूज करेंगे उसका। फिर कुछ ऐसा नाउन है जो प्लुरल होता है, हमेशा ही प्लुरल होता है, तो उस तरह के नाउन्स को आप लोग, जैसे कि कुछ नाउन बताए जो हमेशा सिंगुलर होता है, वो सारे नाउन्स क्या थे, लगेज थे, बैगेज थे, ब्रेकेज थे, फर्नीचर थे, ड्रैपरी था, पोइट्री था, आयरन था, स्टोन था, ग्लास था, डस्ट था, रबीश, डर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, चौक, फूड, ब्रेड, ग्लास, मैथमेटिक्स, तो इस तरह से कुछ इथिक्स, फोनेटिक्स, मम्स, इनिंग्स, ड्रॉट्स, डार्ट्स, ये सब कुछ ऐसे थे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में जो यूज होते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन से जो हमेशा प्लुरल फॉर्म में यूज होता है, जैसे केटल है, पीपल है, पुलिस है, इस तरह का, आर्म्स है, आर्टिकल्स, ट्राउजर्स है, पैंट्स है, ब्रीफ्स है, शूज है, सैंडल्स है, ये सब जो है हमेशा प्लुरल फॉर्म में ही केवल यूज होता है। और उसके बाद कुछ ऐसा भी देखेंगे जिसका कि सिंगुलर से हम लोग प्लुरल फॉर्म में बनाएंगे, जैसे माउस है, तो माउस का सिंगुलर फॉर्म है, उसका जब प्लुरल फॉर्म बनाएगा तो माइस हो जाता है, लूज है तो लाइस हो जाता है, फुट है तो फीट हो जाता है, टूथ है तो टीथ हो जाता है, गूज है तो गीज हो जाता है, एक्सिस है तो एक्सेस हो जाता है, बेसिस है तो बेसेस हो जाता है, इस तरह से बहुत सारे हैं। फिर उसके बाद कंपाउंड नाउंस, जैसे सन इन लॉ है, स्टेपसन है, चीफ मिनिस्टर है, मैट सर्वेंट है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो इस तरह का जो कंपाउंड नाउन है उसमें जो रूट वर्ड होता है उसमें जो है प्लुरल फॉर्मेशन करते हैं हम लोग। तो इस तरह का रूल्स देखेंगे, बहुत सारे रूल्स हैं अभी इसमें, तो उन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे, दो तीन लेक्चर लगेगा इसमें डिस्कस करने में। और उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, और आप लोग शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।